हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईपीएल के मैच नंबर 49 की प्रेडिक्शंस, जो कि होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और यह मैच खेला जाएगा 15 मई की रात को 8 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में। तो आइए ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम बाजी मारेगी इस मैच में, हम सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर। सबसे पहले अगर हम केकेआर की बल्लेबाजी के ऊपर नज़र डालें तो उनके पास रॉबिन उथप्पा, क्रिस लेन, दिनेश कार्तिक, सुमन गिल, आंद्रे रसल जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, तो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं अपने ही दम पे। अब अगर हम राजस्थान की बल्लेबाजी पर नज़र डालें तो उनके पास अजिंक्य रहाणे, हेनरी क्लासन, बेन स्टोक्स जैसे, जॉश बटलर जैसे बैट्समैन हैं। और जॉश बटलर ने जिस तरीके से पिछला मैच जिताया राजस्थान को, काबिले तारीफ है दोस्तों। तो अगर मैं बैटिंग में बल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे लगता है केकेआर का बल्ला भारी है और केकेआर की बल्लेबाजी को मैं दूंगा 60 और राजस्थान की बल्लेबाजी को दूंगा 40। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं। तो जहाँ राजस्थान के पास डोमेस्टिक बॉलर्स हैं जैसे कृष्णप्पा गौतम, सुरेश गोपाल, जयदेव उनटकर, जॉफर आर्चर जैसे बॉलर, वहीं केकेआर के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले बॉलर है जैसे टॉम कुर्रन, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, सुनील नारायण के रूप में बेहतरीन स्पिनर भी है उनके पास, और आंद्रे रसल के रूप में भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, बॉलिंग का ऑप्शन भी है उनके पास। तो अगर मैं बॉलिंग की बात करूं बल्ला भारी की, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं केकेआर का बल्ला भारी है बॉलिंग में राजस्थान से। और अगर मैं पॉइंट्स की देने की बात करूं तो मैं केकेआर की गेंदबाजी को दूंगा 55 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 और राजस्थान की गेंदबाजी को दूंगा 45 पॉइंट्स। अब आइए ये देखते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी। तो दोस्तों, जो मैच है दोनों टीमों के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिहाज से। दोनों ही टीमों को ये मैच जीतना पड़ेगा अगर ये क्वालिफाई कर चाहती हैं तो। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में। तो मैं ये बैक करूँगा केकेआर को ये मैच जीतने का, क्योंकि इनकी होम पिच है ये। तो मैं बैक करूँगा केकेआर को मैच जीतने के लिए ये वाला। अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो 60% चांसेस हैं केकेआर के मैच जीतने के और 40% चांसेस हैं राजस्थान के मैच जीतने के। हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ जो मेरी मैच प्रेडिक्शंस है, ये मेरी पर्सनल मैच प्रेडिक्शंस है और उसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता। इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मैच केकेआर नहीं राजस्थान जीतेगी तो आप राजस्थान के साथ भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे पूरे आईपीएल में आपको मैच प्रेडिक्शन की वीडियो लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ एंड स्टे हैप्पी।